Assalamualaikum everyone. तो आज की वीडियो में मैं एक बिग अनाउंसमेंट करने वाली हूँ और ये गुड न्यूज़ मैं सिर्फ आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरे एक फैमिली की तरह हैं। हाँ गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज है मेरा बेबी शॉवर यानी कि गोद भराई की रस्म। तो गाइस, मैं सबसे पहले अल्लाह पाक के बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी क्योंकि अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत से नवाज रहे हैं। तो यहाँ आज जो है गोद भराई की रस्म की जा रही है हमारे घर में। ये ड्राइंग रूम में सारा सेटअप है, जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो पे सारे दुपट्टे इस तरह कवर किए गए हैं, डेकोर किए गए हैं, साथ में फेरी लाइट्स भी हैं। ये है हमारा ड्राइंग रूम जहाँ पे सारी सिटिंग है और हमने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था, बस मेरे घर वाले थे और मेरे इन लॉज थे। तो जी, यहाँ पर सारी सिटिंग है ड्राइंग रूम में और इस तरह हमने इसको डेकोर किया है क्योंकि बैकड्रॉप हमने इस तरह डेकोर किया है क्योंकि इसके आगे हम बैठेंगे यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड और यहाँ पर रस्म होगी। बैकड्रॉप को हमने मल्टी दुपट्टों के साथ और फेरी लाइट के साथ डेकोर किया है, ये फंक्शन को और चांद चांद लगा देती हैं, साथ में पिक्चर्स भी बहुत मज़े की आ जाती हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने सिंपल सी मेहंदी भी लगा ली है और नेल पेंट भी मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाई है। जो ड्रेस मैं वेयर करने वाली हूँ वो है रेड एंड गोल्डन। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं, रेड एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में है। और रस्म स्टार्ट होने से पहले मुझे भाभी वालों ने ये मोम टूबी वाला स्लैश भी पहनाया था। तो जी, इस खुशी के मौके पे मैंने सोचा मैं एक केक बना लेती हूँ सबके लिए और केक कटिंग भी हो जाएगी इसमें। तो ये मैंने बनाया चॉकलेट केक। जी, चॉकलेट केक की रेसिपी मैंने फॉलो की थी मरियम परवेज़ की और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी सो डू चेक आउट दिस वीडियो। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्म स्टार्ट होने वाली है। सारी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ वगैरह जो गोद में रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो जी, अब यहाँ पे हम केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मैं साथ में केक कट कर रहे हैं। तो रस्म स्टार्ट होने से पहले हमने ये केक कट किया और सबको बहुत ही पसंद आया ये केक। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी, मेरी वीडियो यूट्यूब पर है तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना और बहुत ही ईजी रेसिपी है, मरियम परवेज़ की रेसिपी मैंने फॉलो की है। यहाँ पे मेरी अम्मी जो हैं वो वन बाय वन करके सारी चीज़ें मेरी गोद में डाल रही हैं। ये है ड्राई फ्रूट्स का पूरा एक बास्केट, तो उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं और बहुत भारी थी तो उस वजह से मेरे से उठाई नहीं जा रही थी, तो हम दोनों एक साथ उठा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी मिठाइयाँ थी तो वो भी साथ में इन्होंने गोद में रखी और एक रस्म होती है, हार वगैरह पहनाया। बहुत ही एक अच्छा मोमेंट होता है, ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से और इनको मनाना चाहिए अच्छी तरह से। तो जी, गोद भराई रस्म होने के बाद हमने फ़ौरन खाना लगा दिया था। खाने में था चिकन बिरयानी, ज़रदा चिकन टिक्का और बीफ कीमा, उसके साथ सलाद एंड रायता। खाने के बाद आपको तो पता है डिज़र्ट्स होते हैं और फ्रूट्स ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक सेशन चला था मीठे का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटरमेलन, मैंगो और डिज़र्ट में खीर है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं। दावत हो और उसके एंड में पान या इस तरह की चीज़ें ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे है मीठे पान सबके लिए और साथ में है तुलसी सुपारी। गोद भराई रस्म के लिए जो चीज़ें, जो गिफ्ट्स वगैरह मेरे मायके की तरफ से आए थे वो ये सारे थे। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके कपड़े थे, साथ में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। यहाँ बास्केट्स में आप देख सकते हैं ये सारा न्यू बॉर्न बेबी के लिए गिफ्ट्स हैं और साथ में वेट फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिठाई, केक वगैरह। भराई की रस्म 7 मंथ में होती है, इसी वजह से घर वाले जो ड्राई फ्रूट्स लाते हैं उसमें वो 7 चीज़ें ही होती हैं जो गोद में रखता है बंदा और ये रस्म होती है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बास्केट में 7 चीज़ें ही हैं, आलमंड्स, चॉकलेट्स, रेवड़ियाँ और खजूर, उसके अलावा वॉलनट्स, मिश्री और कोकोनट। अच्छा, इस बास्केट में है न्यू बॉर्न बेबी के गिफ्ट्स और ये बैग जो आप देख रहे हैं ये बेबी होने के बाद जो मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज़ करूँगी।
यहाँ पे ये सारी न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें हैं और जो गिफ्ट्स मिले थे उनको ननिहाल की तरफ से वो भी हैं, साथ में जो शॉपिंग हमने की थी वो भी। और ये तो अभी इनिशियल स्टेज है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब बेबी आ जाएगा तो हम और भी इसके लिए शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे ये सारी नेसेसरी जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वही ली हैं हमने। तो जी ये सारी न्यू बॉर्न की चीज़ें हैं। गाइज अब होता है वीडियो का इख्तिताम। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। गाइज अब इंतज़ार करिएगा हॉस्पिटल व्लॉग का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।